तो स्वागत है आपका दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले पीएम सूर्योदय योजना के बारे में। दोस्तों इस योजना के बारे में आपको जरूर पता होगा, अगर नहीं जानकारी है तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जैसा कि नाम से ही क्लियर है, पीएम सूर्योदय योजना। इस योजना को भारत सरकार की तरफ से बनाया गया, जिसमें कि देश का हर नागरिक यदि सोलर लगाना चाहे अपने घर पे सोलर पैनल, तो अपने घर पे सोलर लगा सकता है, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दिया जाता है। इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको हल्का फल्का सोलर का जरूरत है, यानी कि कम वाट का जरूरत है, तब आप आसानी से पैसा दे करके खरीद सकते हैं। तो ज़्यादा सोलर का जरूरत है तो आप स्टेट बैंक की तरफ से लोन भी ले सकते हैं, जिसमें कि आपको 2 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर में बात करने वाले, पीएम सूर्योदय योजना में हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से यदि लोन के लिए अप्लाई करना चाहे पीएम सूर्योदय योजना में, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं, देश के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो आपके काम आने वाला है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है, तो के लिए सेम है। तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। पीएम सूर्योदय योजना के अंतर्गत SBI से लोन लेना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन कर और यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है SBI सूर्योदय योजना। इस तरीके से जैसे सर्च कीजिएगा, इस तरीके से यहाँ पे जो पहला लिंक दिखाई देगा, इसी लिंक के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं हिंदी में सारा डिटेल्स आप सभी के साथ में यहाँ पे साझा किया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं SBI सूर्य घर योजना, और यहाँ पे सोलर रूफ टॉप फाइनेंस के लिए SBI सूर्य घर योजना पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ। विशेषता में यहाँ पे देख रहे हैं एक नंबर में उद्देश्य जो इसका लक्ष्य रखा गया है, 3 किलोवाट तक के सोलर रूफ टॉप की स्थापना करना है। और इसमें जो आपको लोन अमाउंट मिलेगा, मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। आपका जो इसमें एज रहना चाहिए 18 से लेकर के 65 के बीच में रहना चाहिए। आपका इसमें सिविल स्कोर भी चेक किया जाता है, जो कि आपका सिविल कम से कम 680 या फिर उससे अधिक का होना चाहिए। आपका जो इसमें छत पर जैसे आप लगाइएगा, तो वहाँ पर एक सहमति पत्र भी आपको देना होगा। इसी टाइप से यहाँ पर चौथे नंबर पर देखिएगा, तो आपका पैन कार्ड सिविल के लिए पैन वैकल्पिक है। और उसके बाद यहाँ पे मार्जिन परियोजना लागत का न्यूनतम 10% आपको जमा करना होगा। जितना भी आपका जैसे 1 लाख का अगर आपका एस्टिमेट बनता है, तो उसमें जो 10,000 रुपये वो आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका जो भी बकाया बचेगा, उसको आप फिनेंस करवा सकते हैं EMI के तौर पर, फिर आप मंथली आप जमा कीजिए। तो इसमें जो आपको चार्ज लगेगा, इंटरेस्ट रेट लगेगा, वो देख रहे 2.15 से लेकर के 7% तक का इसमें आपका इंटरेस्ट लगेगा। और इसमें जो टाइमिंग रखा गया 120 महीने का रखा गया, न्यूनतम अवधि नहीं है। और इसी तरीके का इसमें प्रोसेसिंग फीस नहीं लेगा आपसे। और यहाँ पे जो आर्थिक सहायता सब्सिडी भी इसमें आपको मिलेगा, जैसे कि मान के चलिए 1 किलोवाट तक का अगर आप लेते 30,000, 2 किलोवाट तक का लेते तो 60,000, 3 किलोवाट तक का लेते तो यहाँ पे 78,000 रुपये आप सभी को सब्सिडी के तौर पे दिया जाएगा। इसमें आपको किसी भी तरीके का वार्षिक इनकम देने का जरूरत नहीं। उसके बाद यहाँ पे अपेक्षित दस्तावेज KYC दस्तावेज डॉक्यूमेंट की बात करें, तो यहाँ पे आपका जो दस्तावेज लगेगा, जिसमें कि बिजली का बिल भी आपका इसमें लगेगा। करने का यहाँ पे देख रहे हैं लिंक भी दिया गया है, आप अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में PMSuryaghar.gov.in पर जाकर के अप्लाई भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 16वें नंबर पर देख रहे कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें, ऋण आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें। तो नीचे में जो यहाँ पे देख रहे हैं, इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको प्रोसीड के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, अगला इंटरफेस इस तरीके से आएगा, जिसमें आपको थोड़ा तो यहाँ पर जो पहला नोटिफिकेशन मिलता है, इसको आपको क्लोज कर देना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाया गया जन समर्थ पोर्टल है, जिसके मदद से आप लोन के लिए यदि अप्लाई करना चाहे तो आप अप्लाई कर सकते। यहाँ पे नीचे के साइड में आइएगा, यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग कैटेगरी दिया हुआ है, ई किसान उपज निधि, कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ, कृषि आधिकारिक संरचना ऋण, व्यावसायिक गतिविधि ऋण, उसके बाद फिर यहाँ पे आजीविका ऋण, उसके बाद शिक्षा ऋण। यहाँ पे अलग अलग तरह का योजना दिया हुआ है, जिस पर आप अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकते। इसमें यदि अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो भी स्कीम पे आप करना चाहते हैं, उसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर कैप्चा फिल करके यहाँ पे OTP प्राप्त करेगी, ऊपर में क्लिक करके इसमें आप अप्लाई कर सकते। अगर आप पीएम सूर्योदय योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस लिंक के ऊपर में क्लिक कर देना, प्रोसीड के ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे प्रोसीड के ऊपर में क्लिक की, इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं पीएम सूर्य घर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप सभी के सामने में ओपन हो चुका है। यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं रूफटॉप सोलर, जस्ट आपको इसके ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, इस तरीके से इसका इंटरफेस आप सभी को देखने को मिलेगा। तो पहले नंबर पर यहाँ पर जो सेकेंड वाला ऑप्शन दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन के ऊपर में क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिसकी ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए बनाया गया।
अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, घर में जो भी बिजली लगा हुआ जिस कंपनी का वो आपको सेलेक्ट कर ले। यहाँ पे आपको अपना कंज्यूमर नंबर देना है, उसके बाद फिर आप जो कैप्चा वो टाइप करके नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। इसी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके का इंटरफेस आप सभी को देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रोसेड का ऑप्शन दिखाई देगा, तो सीधा आपको प्रोसेड के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसेड के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, अगला स्टेप जो आएगा जिसमें यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, उस मोबाइल नंबर पे जो भी ओटीपी है वो इसमें देना है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते। जो कैप्चा वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। कैप्चा टाइप करने के बाद फाइनली यहाँ पे जो प्रोसेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये आपका हाईलाइट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर। अब इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, तो यदि आपको यहाँ पे लोकेशन अलाउ करने के लिए बोला जाएगा तो यहाँ पे आपको अपना लोकेशन जो है अलाउ कर देना, जिस नाम से आपका बिजली है वो उसका यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे के साइड में आना, नीचे के साइड में आइएगा तो यहाँ पे पूरा फॉर्म आपको फिलअप करना है। यहाँ पे देख रहे पहला स्टेप आपका इस तरीके से दिखा रहा है, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, इस तरीके से यहाँ पे पूरा आपको सिलेक्शन करना है। नाम है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, एड्रेस भी यहाँ पे दिखाई देगा, उसका यदि आप इसमें एक्स्ट्रा एड्रेस ऐड करना चाहते हो वो भी आपको यहाँ पे ऐड कर दे। अभी हमसे आपसे पूछ रहे हैं कि डी डी एन ई सी एस सी वीएलए हेल्प यू इन फाइलिंग द एप्लीकेशन। यदि आपको किसी भी तरीके का दिक्कत हो रहा है तो आपके एरिया में जो सी एस सी वीएलए होगा वसुधा केंद्र संचालक, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप यस या नो में यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे एंटर सी एस सी वीएलए आईडी यदि आपको देता है वो अपना कोड, तो यहाँ पे एंटर कर देना, अदरवाइज इसको आप ऐसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेंसन लोड कितना के बी का आप लेना चाहते हो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसे आपका पूरा डिटेल्स आ चुका है। यदि आप यहाँ पे और भी कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे रेसिडेंटल है या फिर रेसिडेंटल एंड वेलफेयर एसोसिएशन, दोनों में से जो भी आप है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इन के बी कितने के बी का आपको सोलर प्लांट चाहिए वो आपको यहाँ पे के बी में दर्शाना होगा। इस तरीके से यहाँ पे आपको गूगल मैप दिखा देगा, इसको आपको यहाँ पे ऐड कर दे। यहाँ पे आपको लेटिट्यूड एंड लॉन्ग लेटिट्यूड दोनों आपको सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक कर। ये सही तरीके से सर्च करने के लिए यहाँ पे जैसे टैप कीजिएगा यूज करेंट लोकेशन, तो सिंपली आपको इसके ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। यहाँ पे देख रहे अपने आप खुद ब खुद आपका लोकेशन ये यहाँ पे सेट कर लेगा। देख रहे मैप पे आपका जो दिखाई दे रहा है पॉइंटर, इसके ऊपर में क्लिक कर देना। यहाँ पे अपने आप खुद ब खुद आपका लेटिट्यूड और लॉन्ग लेटिट्यूड दोनों इसमें ऐड हो जाएगा इस बॉक्स में। इस तरीके से यहाँ पे नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, यदि सारा चीज़ आपका फुलफिल रहेगा तो ये नेक्स्ट हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे रुका हुआ रहेगा तो आपको चेक कर लेना। जो भी ऑप्शन छूटा होगा उसको आपको फुलफिल कर देना, जिसमें भी स्टार्ट मार्क लगा हुआ वो चीज़ आपको वो डिटेल्स फुलफिल करना जरूरी। अब जैसे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, इस तरीके से प्रोसेसिंग होगा। यहाँ पे देख रहे हैं आपका सेकंड स्टेप जो है वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर तीसरे नंबर पे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना। तो बिजली का बिल निकालने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में फिर से गूगल क्रोम को ओपन कर लेना, जिस भी कंपनी का, जैसे हमारे एरिया में नॉर्थ बिहार का है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना कंज्यूमर नंबर टाइप करके सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, इस तरीके से यहाँ पे व्यू बिल के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, आपका जो बिल है पूरा डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाए। इस तरीके से यहाँ पे थ्री लाइन के ऊपर में क्लिक करके यदि आप इसको अपने मोबाइल में सेव करना चाहते हो तो सेव एज कॉपी के ऊपर में क्लिक कर देना। ऑन डिवाइस या फिर जिस भी लोकेशन में आप इसको सेव करना चाहते हो उसको आपको यहाँ पे सेव कर लेना। वापस हम इस पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर में क्लिक करके अभी जो आप पीडीएफ इसमें सेव किए थे उसको आप इसमें अपलोड कर दीजिए। यदि आप इस फाइल को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे को व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर में क्लिक करके इस फाइल को आप देख भी सकते हैं। उसके बाद फाइनली यहाँ पे इस तरीके से नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे आपको पहले सेव के ऊपर में क्लिक करके इसमें आपको सेव कर लेना, क्योंकि हो सकता है कुछ एरर आएगा तो फिर से आपको अपलोड करना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन यहाँ पे फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आप सभी को देखने को मिलेगा, तो सिंपली आपको इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। मैं आपका अप्लाई करने का था, तीनों स्टेप आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साइड में आइएगा तो अभी भी बहुत सारा डिटेल्स आपका बचा हुआ, जिसमें कि यहाँ पे देख रहे हैं आपको अपना बैंक का डिटेल्स इसमें फुलफिल करना है। उसके बाद यहाँ पे व्यू रजिस्टर्ड वेंडर, इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो जो भी इसमें रजिस्टर्ड वेंडर है वो आपका यहाँ पे लिस्ट देखने को मिल। इतना सारे वेंडर है, इस सभी में से कोई भी एक वेंडर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से देख
यहाँ पे आगे में दिखा जा रहा है कॉन्टैक्ट मी, इसके ऊपर में जैसे क्लिक कीजिएगा तो इसमें आपका पूरा डिटेल्स चला जाएगा, फिर इसके तरफ से आपको कॉन्टैक्ट किया जाता है। तो भी यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन दिखा दे, इस पर क्लिक करके इस डिटेल्स को आपको फुलफिल कर देना है। बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आपको अपने नज़दीक में जो SBI का शाखा है वहाँ पर जा करके आपको बात करना, वहाँ पर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको सारा काम करना है। तो उम्मीद कर सभी को मैं सही तरीके से समझा पाया कि PM सूर्योदय योजना क्या है। PM सूर्योदय योजना में यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, यदि आपको ज़्यादा सोलर पैनल का जरूरत है तो किस तरीके से आप स्टेट बैंक से लोन ले सकते हैं। ये वीडियो आप सभी के काम का लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा। इसी अपडेट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे थे डिजिटल समाधान।